हे गाइस गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम इंद्रपाल राज है और अभी हाल ही में मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मोनेटाइज हो गया है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ राजमन सर की वजह से। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो कि कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मोनेटाइज कर लिया जाए, और जिसके लिए मैं एडसेंस अकाउंट बना रहा था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे। मैंने इसके लिए कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उनको मैसेज किया, बट किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पर कुछ टेक वीडियोज़ देख रहा था, जो कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ देख रहा था। उसमें मुझे राजमन सर का चैनल प्रॉब्लम सॉल्व जो कि दिखा, मैंने इनका एक वीडियो देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने फिर इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। इनको इंस्टाग्राम पे मैंने एक मैसेज किया और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई तुरंत किया और बहुत अच्छे से मुझसे बात की, मेरी प्रॉब्लम सुनी समझी और बोले कि परेशान मत हो, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने इनको अपना आईडी पासवर्ड शेयर किया और इन्होंने मेरे चैनल पर वर्क करना स्टार्ट किया। फाइनली इन्होंने मेरा चैनल ठीक कर दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू राजमन सर, आप हमेशा खुश रहिए, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, आप हमेशा अपने लाइफ में तरक्की करिए और बहुत आगे जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व चैनल जिसको सपोर्ट करिए, उनका चैनल विजिट करिए। राजमा सर से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉन्टेक्ट करिए, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो बहुत खुश हूँ। तो अगेन थैंक यू राजमन सर, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अपनी लाइफ में तरक्की करिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने इस तरीके से, ये है कहानी, यानी कि ये स्टोरी है यहाँ पे इंद्रपाल भाई की। और यहाँ पर जो इंद्रपाल है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और मेहनत किया है अपने चैनल पे। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि यार कि कोई बंदा भी मेहनत नहीं करता, हर एक क्रिएटर जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता है डेफिनेटली वो अपना बेस्ट और अपना 100% देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन समय के अनुसार कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके पास में, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार ऐसा लगता है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। ये रीज़न क्या होता है, ये सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि यहाँ पे कि अगर आपके यूट्यूब के चैनल के साथ में कोई समस्या आ गई, चाहे वो आपका एडसेंस रिलेटेड हो, चाहे वो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हो, नेक्स्ट बजट कुछ भी, मोर एंड मोर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आखिर में उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? क्यों? क्योंकि देखिए होता है क्या है कि यूट्यूब के ऊपर इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, बहुत सारी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होती है जो सिमिलर होता है, बिल्कुल एज इट इज़ होता है आपके केस के साथ, तो आप इजिली उसको रिजॉल्व कर सकते हो। बट दोस्तों कई ऐसा केस बन जाता है, कई ऐसे केस जनरेट हो जाते हैं जहां पर आपका केस और वो जो वीडियो का केस दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। और सेम दोस्तों यही केस इनके साथ भी हुआ कि भाई ये काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और बहुत परेशान हो गए, और उसके बाद में इन्होंने सोचने लगे कि आखिर में यार इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और ऊपर से ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो लॉकडाउन में, मतलब जिनकी नौकरियां गई हैं, उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है यार यूट्यूब के ऊपर आए जाए, और उसके बाद में फिर उस पर एफर्ट और मेहनत लगा के उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइक मोनेटाइजेशन या एडसेंस या नेक्स्ट वर्जन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो आखिर में उसका अगर सॉल्यूशन ना हो तब फिर कैसे चैनल चलेगा? तो एग्जैक्टली दोस्तों ये सेम यही इंद्रपाल भाई के साथ भी हुआ कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉन्टेक्ट किया, बट समय के अनुसार हो सकता है कि सारे क्रिएटर्स अपने अपने कामों में अपनी अपनी जगह पे बिजी रहे, बट इंस्टेंट एक दिन इनका मेरे पास मैसेज आया। और जब मैसेज आया तो भाई मेरी तो सिंपल सी बात है, एक खासियत यही है कि मैं मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंट करता हूँ। बाद में भले मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मैं बिज़ी हूँ, या मैं आफ्टर कुछ टाइम आपको बात करता हूँ, या मैं कई लोगों को टाइम भी देता हूँ कि भाई आप इतने बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर एंड एक्सपेयर मोर एंड मोर, बहुत सारे तरीके से मैं बता देता हूँ कि ऐसे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इनकी प्रॉब्लम्स को मैंने समझा और देखा, उसके बाद में बस इनकी प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट किया, और फाइनली मेरे को इनके चैनल पे काम करते हुए 2 से 3 दिन, यानी कह सकते हैं 3 से 4 दिन के अंदर इनका चैनल अगेन मोनेटाइज हुआ। और एक सबसे मेन बात बताऊं कि दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंद्रपाल के चैनल का डिस्क्रिप्शन का लिंक, उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक बार आप जाके उनकी वीडियोज़ देखो,
आपको लगेगा एग्जैक्टली यार ऐसे ही क्रिएटर्स की रिक्वायरमेंट है यूट्यूब के ऊपर, इतनी जबरदस्त स्टोरी, ऐसा मतलब कि आपको लगे कि आप यार रियलिटी में आप कोई मूवी देख रहे हो, ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, वाह यार अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो रियली बहुत जबरदस्त इनके वीडियोस हैं, तो एक बार जाके आप भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की मैं इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं इनके चैनल का, आप जाके वहां से आसानी से देख सकते हो। और बाकी दोस्तों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अब बात यहाँ पे करें कि आखिर मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे किया, क्या किया इनके चैनल के साथ, ऐसा कौन सा काम किया कि इनका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। तो इसके लिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे और क्या मैंने किया कि इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए आपके पास में इस तरीके से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से कितना सही इनका अभी चैनल की ग्रोथ है इनके। और इसके बाद हम यहाँ मोनेटाइजेशन टैब पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो अभी यहाँ पे सेटअप गूगल एडसेंस का एरर आ रहा है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर इसी को ही ठीक करना है। और जैसे इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि भैया जो आपका एडसेंस अकाउंट है वो डिसअप्रूव्ड है, तो फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ से उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपका यूट्यूब अकाउंट है, क्योंकि आपको जब तक ये वेरीफाई नहीं करोगे तब तक ये आपका आगे कुछ भी काम कुछ भी नहीं करने देगा। तो यहाँ पर OTP वगैरह सबको डालने के बाद आपको क्या करना है, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको इस मेल आई डी को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे इस मेल आई डी को आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपके पास में यहाँ पर पूरा साइनअप का प्रोसेस आ जाता है, जिसमें से यहाँ पे इसको यस कर देना है कि गेट आउट ऑफ, मतलब एडसेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो वो आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। और इसके बाद में आपको यहाँ पे यस के क्लिक करके और टर्म्स एंड कंडीशन पे उसके बाद कर देना है क्रिएट अकाउंट। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधा आप पहुँच जाएंगे एडसेंस के डैशबोर्ड पर। तो जैसे आप यहाँ पे एडसेंस के डैशबोर्ड पे पहुँचते हैं तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। और इस तरीके से हमारे को यहाँ मिल जाता है एक फॉर्म, जिस फॉर्म को आपको यहाँ पे आपका नाम, आपका सिटी, आपका कंप्लीट एड्रेस, आपका पोस्टल कोड, ये सब चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे स्टेट सेलेक्ट करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में लास्ट में मिलता है हमें सबमिट। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया, थोड़ी देर में यानी कुछ सेकंड में ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके चैनल के ऊपर। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना होगा इसके बाद में कि भाई देखते हैं कि रिडायरेक्ट होने के बाद में क्या सेकंड स्टेप पे कुछ बदलाव आया या नहीं आया, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हम आते हैं थोड़ी देर यहाँ पर रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद में फाइनली हमें यहाँ पर ये मिलता है कि भैया जो आपका सेकेंड स्टेप जो पहला डन है, दूसरे वाले में जो यहाँ पे एरर आ रहा है अभी ऊपर देखिए यहाँ पे रिफ्रेश चला, तो यानी क्या आ गया, इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ गया। अब यहाँ पे करते हैं हम थोड़ी देर वेट, यानी मे बी करीब 3 से 4 घंटे 5 घंटे का आपको इंतज़ार करना है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है, बट करना है हम आपको यहाँ पे इंतज़ार थोड़े से टाइम का। ओके फ्रेंड्स, कुछ टाइम वेट करने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7-8 घंटे का वेट करने के बाद में हम यहाँ से आ चुके हैं। रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको, और रिफ्रेश करने के बाद में हम जाते हैं मोनेटाइजेशन टैब पर अपने। तो मोनेटाइजेशन टैब पे जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है कि सेकंड स्टेप डन हो चुका है। सो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन इंद्रजीत आपको कि भैया आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप डन हो गया। लिखा है कि यू हैव सक्सेसफुल लिंक्ड एंड एडसेंस अकाउंट, एंड जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो गया, गेट रिव्यूड। तो यानी कि तीसरा स्टेप इन प्रोग्रेस हो चुका है, और अभी तीसरे स्टेप को हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। इसमें भी मे बी अब हाँ यहाँ पर आपका कंटेंट चेक होगा, मे बी आपका 24 घंटे लग सकता है, 48 घंटे भी लग सकता है, 36 घंटे भी लगता है, डिपेंड करता है आपका कंटेंट। तो करते हैं यहाँ पे हम वेट। ओके गाइस, तो यहाँ पे फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद में यहाँ पे मिलता है हमें कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी एक अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन वेट करने के बाद हमें यहाँ पे मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा है कि भैया यहाँ पे बधाई हो आपको कि आपका जो है यहाँ YPP के लिए यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं मोनेटाइजेशन टैब के ऊपर, और जैसे मोनेटाइजेशन टैब पे आते हैं तो फाइनली दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो वो सेकंड स्टेप फिक्स एरर आ रहा था वो फाइनली यहाँ पे मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर
ये बहुत खुशी की बात है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस तरीके से कि भाई इंद्रजीत इतने दिन से परेशान थे, इनके चैनल का नाम है आईपी राज फिल्म, तो बहुत टाइम से परेशान थे और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, बट फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये सॉल्यूशन अब हो चुका है और इस तरीके से यहाँ पे इनका चैनल हो गया मोनेटाइज। और सभी कंटेंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी वीडियोस के ऊपर यहाँ पे ग्रीन डॉलर के सिंबल आ चुके हैं, सबके ऊपर यहाँ पे एड्स आना स्टार्ट भी हो जाएंगे। हाँ, जो इनलिजिबल है तो इसका मतलब ये है कि भैया वो जो है कहीं ना कहीं कॉपीराइटेड है या कुछ ना कुछ कॉपीराइट क्लेम है जिसकी वजह से उसके ऊपर एड्स ऑन नहीं है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे फाइनली इनका जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। बाकी दोस्तों फिर भी कोई आपका भी कोई ऐसा केस है, कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं स्ट्रेंथ रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम का सभी सॉल्यूशंस हो सके। बस फ्रेंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।